हाय गाइस, मैं बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज का टॉपिक है इंटोमोफिली इन फाइकस कैरिका। तो इंटोमोफिली जैसा कि आप जान रहे होंगे इसको कीट परागण कहते हैं और यह एक क्रॉस पोलिनेशन है। और फाइकस कैरिका प्लांट में हम लोग देखेंगे कि आखिर कीट परागण किस प्रकार से होता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो जो फाइकस जो कैरिका है या इसमें जो इनफ्लोरेंस जो है उसको कहा जाता है हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इसका हम लोग डायग्राम बना लेंगे। और इसमें जो फ्लावर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। तो पहले हम लोग हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस का डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इसका कंडीशन होता है। तो ये देखिए बाहर से फ्लेसी है, थैलामस ये पोर्शन हो गया और इसका ये ओपनिंग भाग है। इधर ये माउथ खुला हुआ है, ओपनिंग भाग है फ्लावर का। तो ओपनिंग भाग से इधर से ही इंसेक्ट्स प्रवेश करते हैं और इसका जो टॉप भाग है इसमें रहता है उपस्थित स्टामेन। इस प्रकार से ये क्या हो गया, स्टामेन हो गया। जैसा कि आप जान लोगे कि स्टामेन जो होता है वो फूल का मेल पार्ट है, यह जो हो गया मेल फ्लावर हो गया। और इसमें दो टाइप्स के और फ्लावर होते हैं जो कि इस प्रकार से स्थित होते हैं। ओवरी हो गया, ए स्टाइल हो गया, ये हो गया आपका फीमेल फ्लावर। इस प्रकार से बना लीजिएगा। और एक फ्लावर और इसमें होता है कि जो स्टराइल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, उसमें शॉर्ट स्टाइल होता है और स्टाइल जो है लेटरल इन पोजिशन होता है। इस प्रकार से बना लीजिए। तो कुल इसमें जो तीन प्रकार के फ्लावर हो गए, ए जो पार्ट जो फ्लावर का हो गया इसको कहेंगे लॉन्ग स्टाइल टर्मिनल फीमेल फ्लावर और ए जो है शॉर्ट स्टाइल है, यानी स्टाइल इसमें छोटा है, शॉर्ट स्टाइल और लेटरल पोजीशन का रहेगा, लेटरल फीमेल। और यह फ्लावर कैसा है, स्टेराइल है यानी नॉन फंक्शनल। और यह जो लॉन्ग स्टाइल वाला है ये क्या है, फर्टाइल है। और गोल फ्लावर जो है ये नॉन फर्टाइल है और इस फ्लावर को जो नॉन फर्टाइल है गोल फ्लावर भी कहा जाता है। तो इसमें थ्री टाइप्स के फ्लावर हो गए, थ्री टाइप्स फ्लावर। पहला ऊपर में स्टामेन रहेंगे और नीचे जो इसका बेस कैविटी है उसमें दो टाइप्स के रहेंगे, फर्टाइल फीमेल फ्लावर और नॉन फर्टाइल फीमेल फ्लावर, जिसको गॉल फ्लावर भी कहा गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोई इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स का क्या हो रहा है कि एंट्री हो रहा है, इंसेक्ट्स का एंट्री हो रहा है इस पार्ट से। अब इंसेक्ट्स अंदर जब यहां पर आता है तो यहां पर इंसेक्ट्स जो है आकर अपना अंडा देता है, लेट्स एग। ये क्या हो गया कि अंडा हो गया, ये लिख लेंगे एग्स, एग्स ऑफ इंसेक्ट्स। और यह जो इंसेक्ट्स है इसका नाम आप याद रखेंगे, इस इंसेक्ट्स को कहा जाता है गॉल वास्प। वास्प इंग्लिश में इसका ब्लास्टो फेगा इंसेक्ट्स का नाम है। तो यह गॉल वास्प जो है एंटर किया माउथ से और यहां पर आया और यह अपना अंडा दिया। अंडा देने के बाद क्या होता है कि यह फिर बाहर निकलता है, यह इंसेक्ट्स का होगा कि बाहर निकलेगा। अब जब बाहर यह इंसेक्ट्स निकलेगा तो इसके जो बैक जो पोजीशन है, इस बैक पर क्या हुआ कि ये जो परागकण जो है इस पर इसके बैक यानी पंख पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार से इस पर परागकण चिपक गए, पोलन ग्रेन स्टिक, पोलन ग्रेन स्टिक टू बैक ऑफ इंसेक्ट्स। अब यह जब नेक्स्ट हाइपोथेंडियम दूसरे फ्लावर में जब पहुंचता है तो वह क्या करेगा कि जब दूसरे फ्लावर के हाइपोथेंडियम में प्रवेश करेगा तो उसका भी मान लीजिए सेम पोजीशन, इस प्रकार के लॉन्ग स्टाइल वाला फर्टाइल फ्लावर है। तो यह जब इंसेक्ट्स इसमें आता है तो चूंकि इसके पंख में, विंग्स में, बैक पोर्शन में क्या है कि परागकण चिपके हुए हैं, स्टिक है, इसको डस्ट करता है स्टिग्मा, स्टिग्मा पर।
यानी परागकण ट्रांसफर हो रहा है किस फ्लावर में, फीमेल फ्लावर में, फीमेल फर्टाइल फ्लावर में, यानी यह इंसेक्ट्स यहां से पोलन ग्रेन ग्रहण किया और इस पुष्प में इंटर होके पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर परागकण का ट्रांसफर क्या हो रहा है, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर हो रहा है, इसलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा गया, क्रॉस पॉलिनेशन। और चूंकि यह इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है, गॉल वास्प के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको एंटेमोफिली कहा गया। और दोनों का जो रिलेशनशिप जो है वह म्यूचुअल है, म्यूचुअल मतलब होता है कि बोथ बेनिफिटेड, बोथ बेनिफिटेड क्या हो रहा है कि इंसेक्ट्स इसमें अंडा दे रहा है, उसके अंडा जगह के हैबिटेट प्राप्त हो रहा है, अंडा को भोजन भी मिल रहा है, और फ्लावर को क्या लाभ हुआ कि इसमें गॉल वास्प के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। तो दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, म्यूचुअल हो गया, बोथ बेनिफिटेड। एक चीज याद रखेंगे कि इस प्रकार के जो परागण की जो क्रिया है ये होता है फाइकस केरिका में, किसके द्वारा, गॉल वास्प के द्वारा, और इसमें एक फ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस है, जिसको नाम है हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेंस। तीन प्रकार के इसमें फ्लावर होते हैं। अब हम उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।